हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। जो कल मैच होने जा रही यूमयू वर्सेज एसपीकेसी यानी कि यूनाइटेड सोटा यूनाइटेड वर्सेज स्पोर्टिंग करना सिटी, नाम ही इनके मुश्किल है, तो उसकी मैं ड्रीम इलेवन टीम बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैचेस होने वाली है यानी स्विट्जरलैंड, स्पेन, नाइजीरिया जो है, इसके सभी की मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाई, वो आप देख सकते हैं। क्रिकेट की भी मैंने बनाई, ये देख सकते हैं। अब रोज का सब्सक्राइबर बोल रहे है भाई ये ऐसे ही फेंकता है, जीतता है नहीं, ये देख ये प्रोग्रेस में। भाई मैंने सोच समझ कर भी नहीं लगनाई थी, ये देख मैं जीता, क्योंकि मुझे प्लेयर पता है रे भाई कौन सा अच्छे है कौन सा बुरा। सब ने भाई अच्छे अच्छे सेल्टर या फिर ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देख के बनाए, लेकिन मैं खुद से पता होता है कौन सा प्लेयर अच्छा है, तो लिया देख रैंक वन आई, वो दूसरा मेरे आसपास भी नहीं अभी तक। तो वैसे होता है भाई, प्लेयर हमेशा वैसे चॉइस करो कि आगे वाला के सोच के भी बाहर हो। वो सिर्फ यूट्यूबर की कॉपी लेगा, वाइस कप्तान कप्तान कौन से अच्छे वो देखेगा, लेकिन आपको मैं सभी ऑप्शन देता हूँ कौन से अच्छे कौन से बुरे, मुझे इसलिए बहुत टाइम लगता है। और प्लेयर मेरे कन्फर्म कीजिए, फुटबॉल में ऐसा हो रहा है, लेकिन आज के मैच के ज़्यादा प्लेयर मुझे पता है और खेलने भी वाले, ऐसे आया है इनका कन्फर्म इलेवन स्क्वाड। तो आप देख सकते कि म्यू की तरफ से रॉबर्ट शटरवुड वो खेलने वाले थे, टीम में ले खेलने वाले पोर्टिक करना सिटी, उन्हें लीजिए। मैं पहले अपने लेता हूँ अच्छे अच्छे प्लेयर जो टॉप लेवल के, मैट बेसलर, ओपेरा, बॉक्सल खेलने वाले, मिडफील्डर में सिकनेस स्पोंजा, इन्हें लीजिए, बहुत अच्छे प्लेयर है। ब्रेडी वेनेस खेलने के वाले हैं नहीं इतना पता नहीं, फॉरवर्ड की ओर चलते जॉन रसल खेलने, डी सोलो खेलने वाले, के शेल्टन इस मैच खेलने वाले क्योंकि इंजरी के चलते बाहर गए थे, ये मैच खेलने वाले कन्फर्म नहीं जाए, तो मैंने उन्हें पिकअप कर दिया। मैं की तरफ से क्रिस्टल रैमरेज को भी ले सकते, मैक्सिमम थ्री प्लेयर। तो हम क्या करते भाई कि रसल की जगह क्रिस्टल रैमरेज को लेते, बहुत अच्छे प्लेयर है भाई, अगले टीम में उन्हें ही लेना, क्योंकि ये रैमरेज का ख्याल किसी को नहीं। अगर वो खेलते आज के मैच, पहले बोल रहा हूँ खेलते आज की मैच, अगर वो खेलते तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो उन्हें ही लीजिए। अगर सेफ जाना है तो फर्नांडिस या फिर रसल को ही लीजिए, वो तो खेलने वाली है, पता ही होगा। तो हम यहाँ हम किसको चॉइस करेंगे, तो बहुत मुश्किल होती है, दिक्कत आती है, क्योंकि भाई दिक्कत क्या आती है कि प्लेयर खेलेगा या नहीं ये कन्फर्म नहीं होता ना। जो ये जो है वो खेलने वाले, यानी कि दो ही बचे, तीन ही बचे अभी, जो जिसका पता नहीं होगा ज़्यादातर, जो पता है अभी लेता हूँ, जो कन्फर्म लगता है भाई हाँ ये खेलने वाला है, लुइस इंडे स्टोरम, बेसलर खेलने वाले हैं नहीं, ये देखिए मैंने यहाँ से टीम ली है, आप भी वो देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर किसी के इसमें जो 11 प्लेयर आज के मैच में खेलने वाले ये सब दिया है, ये सिर्फ हमें देखना है। ओपेरा, मैट बेसलर जो कि हमें कन्फ्यूजन थे वो तो खेलने, और रॉजर स्पोंजा, तो यहाँ जो पहले डिफेंडर का तो प्रॉब्लम हो गया कि मैट बेसलर और ओपेरा खेलने वाले, उन्हें देख सकते हैं, जो स्पोंजा है उनका पता नहीं, तो यहाँ कौन रहेगा, तो एरिक मिलर, एम बॉक्सल मैंने जो लिए उन्हें लीजिए। तो चलिए हम इस चलते, तो मैट बेसलर खेलने वाले, पूर्व मेले, पियर एमर। अब हम यहाँ ही जाते, ओपेरा जो खेलने वाले उनका भी कन्फर्म आया यहाँ से तो देख रहे, लेकिन यहाँ तो नाम निशान नहीं, यानी कि वो फॉरवर्ड में है, तो हमें मिडफील्डर में दिक्कत आ रही है, मिडफील्डर के हमें चूज करना पड़ेगा। तो मिगेल इब्रा वो भी मैच खेल सकते, आप उन्हें पिकअप कर सकते अपने स्क्वाड में। इवन उसका पता नहीं भाई क्यों खेलने वाले हैं नहीं, लेकिन उन्हें मैं ले सकता हूँ, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि यह कौन से, क्योंकि 14 का स्क्वाड होता है, लेकिन 11 का स्क्वाड है इतना तो कन्फर्म आया है, लेकिन फिर भी कि जो डिफेंडर के वो प्रॉब्लम दे रहे भाई, मिगेल इब्रा जो मुझे कन्फर्म थे यानी कि टॉप रैंकिंग आते, तो वो तो मैंने चॉइस किए, सिर्फ अभी मिडफील्डर का प्रॉब्लम आया है, एलेक्स गोमेज, मिगेल इब्रा, खैरी फर्नांडिस, योन को ले सकते,
यहाँ देख सकते हैं योर उन्हें भी लीजिए, मैक्सिमम 7 प्लेयर। इब्रा को लीजिए ना, ओके वो खेलने वाली है। डिफेंडर के एलेक्स को मैच, एलेक्स अच्छा यहाँ चलिए, अच्छी बात हो गई, हो गई प्ले 11 प्लेयर। मुश्किल भाई सबसे अच्छा है ना, आप कप्तान हो वाइस कप्तान, उस पर पूरी टीम चलती है कि भाई तो कप्तान किसे करेगा और वाइस कप्तान किसे करेगा। तो देखिए इस मैच में अगर दोनों स्ट्रांग तो स्पोर्टिंग का ना सिटी है, यूनाइटेड यूनाइटेड की कमज़ोर है उस मुकाबले से। तो उस हिसाब से अगर जाए तो सबसे अच्छा कोई करेगा तो डेनिस सोलर खेलेगी, पहले कन्फर्म कीजिए खेलेगा नहीं। अगली टीम में आप क्रिस्टन रोमरेज को ले सकते हैं, अच्छे पॉइंट कमा सकते हैं और आपके अच्छे ला सकते। और बात अगर आती है वाइस कप्तान की तो एलिस सैंचेज को कर सकते हैं, रॉजर स्पोंजा बहुत अच्छे। अगर डिफेंडर की ओर जाते हैं तो ओपेरा बहुत अच्छे मुझे नज़र आते, या फिर आप गोलकीपर को ही कर सकते हैं अगर ज़्यादा पॉइंट नहीं तो। स्पोंजा दो हो गए, यहाँ तीन है ऑप्शन, दो और तीन हो गए पाँच, यानी कि कप्तान वाइस कप्तान के आपके पास आ गए पाँच ऑप्शन। तो चलिए प्रीव्यू में देख सकते। देखिए पहले जो मैंने चॉइस किए थे यानी कि 7-8 वो तो कन्फर्म थे और वो खेलने वाले थे, ऐसी न्यूज आई। तो जो मैंने लिए थे 3-4 वो तो मुझे इतना पता नहीं था उनके बारे में भाई, सच बता तो मैं हमेशा जो टॉप रैंकिंग है वो पहले मैं चूज़ करता हूँ जो से मैंने किया। तो अगर इसमें से अगर 2-3 हुए, अगर मैंने हमेशा कहा फॉरवर्ड का मिस हुआ तो फॉरवर्ड का लीजिए, मिडफील्डर का हुआ तो मिडफील्डर, और डिफेंडर का हुआ तो डिफेंडर। भाई तुम सबको मेरी बात अगर कोई नया हो तो भाई उसे तो अजब ही लगेगा भाई, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ भाई। और मेरी टीम भी यूनिक होती है, मैंने हमेशा कहा है बाकियों की अलग सोचते बाकियों के मुकाबले मेरी। और मैंने विनिंग प्रूफ भी देखा है आपको कि वो सिर्फ यूट्यूबर का कॉपी पेस्ट, अपने दिमाग के हिसाब से भी खेले भाई, मैंने जो ऑप्शन लिए वो भी ले सकते, कॉपी पेस्ट से तो अच्छा है। मैं हमेशा बेस्ट ऑप्शन देता हूँ ताकि टीम आए। और सबसे पहली बात है फुटबॉल में कि कन्फर्म प्लेइंग 11 ही देखे, जो इसमें से 9 तो है 8 है शायद, 3 प्लेयर का पता नहीं, तो फिर भी देखिए उस 11 में तो ये थे और हमेशा टॉप रैंकिंग। मैंने पहले हमेशा कमेंट पहले बताता हूँ लेकिन आज नहीं बताई, कमेंट भी आई थी तेरे वजह से भाई मैं कल जीता, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने आज थोड़ी जल्दी टीम बनाई और अच्छी तरह से बनाई ताकि भाई, और क्रिकेट मैच की बनाई, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं क्रिकेट की भी विनिंग आपको दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।